नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग फिर एक बार बात करेंगे अक्षिता कॉटन की। जी हाँ, मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत पैनिक में हैं, बहुत मतलब टेंशन वाली सिचुएशन है। बहुत मेरे पास मैसेजेज आ रहे हैं, अनगिनत कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ। आपसे बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग धैर्य के साथ ये वीडियो अंत तक देख लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, बहुत सारी टेंशन रिलीफ हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, यह डाटा बोलेगा आपके सामने जो है। गाइस यहाँ पर देखिए, ये मैं डाटा लेके आया हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न का। यहाँ पर FII जो है, इनकी आप होल्डिंग देखिए, यहाँ पर आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। पहले तो जो आपने थंबनेल पे देखा है ना, सब मिलेगा आपको इसके अंदर, वीडियो के अंदर, है ना। तो आप लोग धैर्य के साथ वीडियो पूरा देखिए। यहाँ पर मार्च में 6.04 था, जून में देखिए 2022 में कितना हो गया, 10.02%, फिर 10.93, 11.63, और मार्च 2023 में ताज़ा एकदम आंकड़ा है ये। आप यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कितना हो गया, 12.45। और आपको एक चीज़ बता दूँगा, जो DIIs है और FIIs होते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं किसी स्टॉक को लेके, उसके बाद ही एंट्री बनाते हैं। और फिर भी मतलब 1%, आधा परसेंट, 2% की एंट्री बनाते हैं ये लोग। और यहाँ पर आप देखिए गाइस, इन्होंने 12.45 पौने 13% की एंट्री बनाई हुई है और लगातार बढ़ा रहे हैं। तो यानी कि अगर आपको लग रहा है आप फंसे हैं, तो इसका मतलब ये भी तो फंसे हुए हैं ना, इतने सारे FIIs, है ना। तो गाइस पहली बात तो आप लोग फंसे नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल्स अभी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर देख लीजिए, एक सेकंड आप होल्ड करिए, देखिए इधर ये देखिए, मार्केट कैप 921 करोड़ का है। ROCE देखिए क्या बेहतरीन, 48.7। ROE देखिए, सबसे बड़ी चीज़ गाइस देखिए, मैं जितने भी इंसॉल्वेंसी वाली कंपनी है ना, फ्यूचर ग्रुप में पूरा गौर कर रहा हूँ, श्री इंफ्रा हो, JP इंफ्रा हो, रिलायंस कैपिटल हो, है ना, जितनी भी है, मेरे पास रिक्वेस्ट ही उनकी आती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं लगातार सिंटेक्स इंडस्ट्री से लेकर हर शेयर को मैंने कवर किया है। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ किसी शेयर को कंपनी का डूबने का सबसे बड़ा रीज़न होता है उसका डेट और जो प्रमोटर होल्डिंग होती है उनका प्लेज होना। तो यहाँ पर देखिए प्रमोटर होल्डिंग कितनी बढ़िया है, 69.6% और 0% प्लेज हो रखी है, यानी कि कहीं गिर भी नहीं रखी उनकी प्रमोटर होल्डिंग, समझ रहे हैं। डेट देखिए 6.5 करोड़ का डेट है, इतना बड़ा मार्केट गैप है। और डेट इक्विटी देखिए अब कितना है, 0.12, एक से कम होना चाहिए गाइस, यहाँ तो 0.1 से मतलब 0.12 है, आप समझिए बात को। तो ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं गाइस। और बुक वैल्यू आप देख रहे हैं, बुक वैल्यू से बहुत हाई है, हालांकि स्टॉक अभी भी महंगा है इसके हिसाब से, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें समझिए कि टेंशन इतनी लेने की जरूरत नहीं है जितना आप लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हो, जितना आप लोग परेशान हो रहे हो, समझ रहे हैं गाइस आपको। लेकिन अब देखिए, अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि जो थंबनेल आपने देखा है गाइस, यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर अच्छा खासा कम हुए हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लास्ट में हम लोग थोड़ा चार्ट देखेंगे कि हाँ अभी क्या चांसेस हैं। तो वीडियो को धैर्य के साथ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक देखिए। लेकिन उससे पहले गाइस, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, शेयर स्मॉल में और BA++Capital में सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। कोई भी टिप वगैरह मैं नहीं देता हूँ, ना ही मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ। आप जब चैनल ज्वाइन करेंगे तो टेलीग्राम की एक अच्छी चीज़ है कि आपको पुराने मैसेज भी दिख जाते हैं। आप ऊपर स्क्रॉल करके जाइए, पूरा पहले मैसेज से देख लीजिए, एक भी आपको कहीं मैंने ये नहीं बोला होगा कि आप ये शेयर लीजिए और ये शेयर बेचिए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अभी देखिए, इसको सुबह ही मैंने लगभग 9:03 पर ही डाल दिया था, एग्जिटा कॉटन सर्किट लिमिट रिवाइज टू 10%, बिल्कुल यहाँ से 20% से 10% आ गई। कल वाले वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है, कि तीन दिन बाद ऑटोमेटिकली 20 से 10% पे हो जाएगा, लेकिन अगर सेबी चाहे तो वो कर सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ट्वीट वगैरह हो रहे थे, सब उसी हिसाब से मेरे हिसाब से सेबी ने इसको देखा होगा, व्हाटएवर जो भी है इसको इन्होंने किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस ज्वाइन कर लीजिए, आपको तो काफ़ी इसमें बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। और यही नहीं गाइस, इसमें केवल बस मैं न्यूज़ इंपॉर्टेंट डालता हूँ, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं डालता हूँ, ठीक है। अभी नंबर वगैरह आए थे, टाइटन के आए हैं, अपने वीडियोज़ के लिंक यहाँ शेयर करता हूँ, कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गाइस इसको जूम करके मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये आप देख पा रहे हैं क्लियर कट, कि यहाँ पर आपको 10% की सर्किट का रिवाइज कर दिया गया, जो पहले 20% था वो 10% है, अगले एक दो दिन तक 10% आएगा, उसके बाद इसको 5% कर दिया जाएगा अगर लोअर सर्किट लगता है। तो यहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर इस पर हम लोगों को समय वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देखिए कंपनी के पास रिजर्व, देखिए आप, ये है रिजर्व। पहले 2018 में 1 करोड़ था, 11 करोड़, 5 करोड़, 9 करोड़, 17 करोड़, और फिर उसके बाद 33 करोड़। तो अभी मार्च 2023 वाले इसमें क्वार्टर में आप देखेंगे तो 33 करोड़ की कंपनी रिजर्व मेंटेन कर रही है। कंपनी के पास डेट कितना है, बोरिंग देखिए 6 करोड़, तो कितना ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है। मतलब देखिए, जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियाँ होती है ना, उनके पास भी डेट ये नहीं होता, रिजर्व नहीं होते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें समझिए। यहाँ पर हम लोग ये भी चीज़ देख चुके हैं कि FII और क्या कहते हैं, अच्छे खासे हैं यहाँ पर, और पब्लिक की मात्रा यहाँ पर कम है, बाकी जो प्रमोटर तो कंपनी के अपना है ही, स्टडी है। अब हम लोग बात करते हैं गाइस, देखिए ये मैंने सुबह 9 बजे, एग्जैक्टली 9 बजे लिया था, कि खुलते ही मतलब 9 बजे जैसे प्री मार्केट ओपन होती है, जो ओपन होने से पहले जो प्री सेशन होता है, वहाँ पर देखिए कितने यहाँ पर शेयर लग जा रहे हैं खरीदने के लिए, सॉरी सेलिंग के लिए, 35,72,000 शेयर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर लगभग 1624। तो इसके अवज में देखिए कितने ज़्यादा कम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं खरीदने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर जो वॉल्यूम है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम है, 1624 का वॉल्यूम था खरीदने वाले
लोगों का जो था मात्र 1624 था। ये तो बात हो गई एनएससी की। वहीं अगर बीएससी की आप देखेंगे तो बीएससी पे मात्र 503 था, लेकिन देखिए बेचने के लिए 22,12,000 के ऑर्डर लगे हुए थे। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली देखिए यहाँ पर मैंने इसीलिए टाइम रखा हुआ है, 9 बजे करीब मैंने सुबह लिया था। अब हम लोग बात करेंगे 3:30 बजे, ये देखिए मैंने 3:30 लिया था 15:29 पे, और यहाँ पर आप वॉल्यूम देखिए लगभग 2,12,735 शेयर उठा लिए गए थे और 90,48,408 शेयर लगे हुए थे सेलिंग के लिए। वहीं अगर हम बीएससी की बात करेंगे, यहाँ पर आपको बीएससी दिख रहा है 38,44,411 शेयरों का लगा हुआ सेलिंग के लिए ऑर्डर, यहाँ पर लगभग 49,000 के आसपास शेयर उठाए गए हैं। बात करेंगे हम लोग वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में देखिए आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, 87 लाख और 94 लाख है 1 मंथ का एवरेज, 1 वीक का एवरेज, वहाँ से सीधा आपको डाउन दिख रहा है। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं यस्टरडे भी 3 लाख था और टुडे भी 3 लाख, यानी 2 दिन में 6 लाख शेयर लोग अपने घर लेके गए हैं। क्योंकि अब देख पा रहे हैं आप ये टी वाले ग्रुप में आ गया, तो यहाँ पर जितना मतलब सेम डे अब इसमें कुल लगे इंटर डे आप नहीं कर पाएंगे, आप खरीद के अगले दिन ही, BTC भी नहीं होता इसमें परमिट होता, उसके बाद ही आप 2 दिन बाद जब ये आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा उसके बाद ही अब सेटल होगा। तो गाइस हम लोग आते हैं चार्ट पे, तो चार्ट पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको ये 46.80 रुपये पे दिखा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये लोग आपको ट्रैप कैसे करते हैं। आप लोग देखिए ना चाहते हुए भी ट्रैप हो जाते हैं, पूछिए कैसे। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो वहीं पर वहीं से मैसेज आ रहा हो, आपके पास नॉर्मली मैसेज भी आप कहीं किसी साइट में या जैसे मान लीजिए मनी कंट्रोल है व्हाटएवर कहीं पर भी आप अपने फ़ोन से एक बार लॉगिन बस कर दीजिए, आपके पास मैसेजेज आना शुरू हो जाएंगे नॉर्मली, जैसे टेक्स्ट मैसेज होता है उससे भी आती हैं आपके पास कॉल, मेरे पास बहुत आती है दिन भर में, ठीक है, और अननोन नंबर से आती हैं, मैं आप जानता भी नहीं हूँ किसी को। तो पहली बात तो आप एक ये सीख ले लीजिए, आप किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेंगे, चाहे इंक्लूडिंग नहीं मैं ही क्यों ना हूँ और कोई भी यूट्यूब चैनल क्यों ना हो, आप ब्लाइंडली किसी के ऊपर प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़कर मत ट्रस्ट करिए, चाहे कितना बड़ा यूट्यूबर हो चाहे कोई भी हो, है ना। आप अपना विवेक अपने ज्ञान का इस्तेमाल जरूर कीजिए उसके पीछे, उन चीज़ों को समझने के पीछे, है ना। अब लोग आते हैं कि कैसे ये लोग आपको ट्रैप करते हैं। देखिए गाइस मान लीजिए कोई शेयर 40 रुपये पे चल रहा है और आपके पास एक मैसेज आया है कि भैया ये 40 रुपये का शेयर है, इसका अगला टारगेट 100 रुपये होने वाला है, आप प्रथम दृष्टया उसको देखेंगे, आप उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है कोई बात नहीं, अरे होगा, फर्जी ऐसी आती हैं, इतनी तो बेसिक समझ सबके पास होती है कि तुरंत किसी पे कोई विश्वास नहीं करता है। 40 रुपये का शेयर आपने उस दिन इग्नोर कर दिया, अगले दिन मान के चलिए वो शेयर मान लीजिए 50 रुपये पहुंच गया। मैं केवल बस एक एग्जांपल मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है गाइस, आप इसको उसी तरह से समझिए। अगले दिन शेयर 50 रुपये पे पहुंच जाता है और आपके पास फिर एक मैसेज आता है, देखा मैंने 40 बोला था लेने के लिए 50 पहुंच गया और इसका टारगेट 100 तो उसने पहले ही बताया हुआ है आपको। आपके दिमाग में थोड़ी सी खलबली मचेगी और 40 से 50 पहुंच गया, लेकिन फिर भी आप एक बारी अभी चलिए मान लेते हैं छोड़ दिया, अब ये पहुंच गया 40 से 60, समझना गाइस। अगले तीसरे चौथे दिन पांचवें दिन 6 दिन बाद 8 दिन बाद हफ्ते भर बाद पहुंचेगा, ये पहुंच गया आपके पास, फिर एक मैसेज आया, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हो चाहे वो किसी के थ्रू हो डायरेक्ट मैसेज आया, तो भैया वो फिर कहेगा अरे 40 से 60 पहुंच गया, देखिए गाइस 50% सीधा, समझ रहे हैं, 50% सीधा पड़ गया। अब आपके दिमाग में खलबली मचेगी, यार अगर मैंने 40 पे ले लिया होता इसको तो क्या बल्ले बल्ले हो जाती, 50% पैसा बढ़ जाता, 1 लाख लगाया होता सीधा 1.5 लाख अंत हो गया होता, 50,000 सीधा अंदर हो जाता। अब आपके दिमाग में जब खलबली मचेगी तो आप क्या करोगे, अगले दिन उसको मान लेते हैं 60 रुपये पे ले लिया, ठीक है। अब वो शेयर कोई बड़ी बात नहीं है कि वहीं से गिर जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, अभी ये 70 पे जाएगा, अभी ये 80 पे भी गया, समझ रहे हैं, और ऐसी ही कॉलें सभी के पास जा रही हैं, समझ रहे हैं, किसी ने 60 पे लिया होगा, किसी ने 55 पे ले लिया होगा, किसी ने 70 पे लिया है, किसी ने इवन 80 पे भी लिया। जब ये 80 पे होगा, जो 60 वाले जिन्होंने लिया था उनके मन में क्या आ रहा है, यार इसका तो टारगेट अभी इन्होंने 100 दिया है, अभी तो 80 पहुंचा, अभी तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं बेचेंगे अभी हम बढ़िया प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। अब ये पहुंचता है जब 86 पे जो या 82 पे जब ये जहां पर पहुंचा था यहां पर, और वहां पर और भी लोग खरीदने आ रहे थे कि अरे अभी तो जाएगा, और वहां से फिर भाई साहब जो ऑपरेटर थे जो आपको मैसेजेस भेज रहे थे उन्होंने अपनी जितनी होल्डिंग्स यहां पर इकट्ठी कर रखी थी नीचे, भाई देखिए ये लोग आपको मैसेजेस क्यों करते हैं, क्योंकि इनके बल्क में शेयर होते हैं भाई, अगर ये 1 करोड़ शेयर बेचना चाहते हैं तो खरीदने वाले भी तो 1 करोड़ होने चाहिए, तो जब यहाँ पर बढ़ाते हैं ये वॉल्यूम इन्फ्लेट होता रहता है इधर से, तब अपना ये हैवी जो सेलिंग होती है वो करते हैं, और यहाँ पर फिर इस तरीके के कैंडल आपको बनते हुए दिखती है। तो भैया जिन्होंने 60 पे लिया था, समझ रहे हैं, जब 80 तक देख के आए उन्होंने प्रॉफिट नहीं बुक किया कि वो 100 तक जाएगा, तो अल्टीमेटली ये भी फंसे, जिन्होंने 55-50 पे लिया था वो भी फंसे, जिन्होंने 86-82 पे लिया था वो भी फंसे, तो ओवरऑल सब ट्रैप, और यहाँ पर अब निकल पाना बिल्कुल असंभव वाली बात हो जाती है। तो गाइस इस तरह से फंसाते हैं। इससे पहले जो अरशद वारसी जी वाला स्कैम हुआ था जिसमें फंसे हुए थे, कैसे फेक वॉल्यूम इन्फ्लेट करते हैं मार्केट में, वो भी मैंने सब बताया हुआ है। जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं वो मैं इतना तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं वो इस तरह के स्कैम में तो फंसेंगे नहीं कभी भी, क्योंकि मैं अपने चैनल में मेरा मेन उद्देश्य रहता है कि लोगों का पैसा बचे। मैं कभी भी नहीं कहता हूँ कि आप ये शेयर ले लीजिए करोड़पति बन जाएंगे लखपति बन जाएंगे, ना, मैं सीधा मेरा हिसाब है कि अगर आपका पैसा बचना चाहिए, जब पैसा बचेगा तभी तो बनेगा ना भाई।
तो खैर कोई बात नहीं, अभी हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी ये क्या संभावना है। गाइस 10% का हो चुका है इसका सर्किट और यहाँ से अगर 10% कल और टूटता है तो ये मान के चलिए 4.60 रुपये और गिरेगा और ये आपको मान के चलिए 42 रुपये 41 रुपये की रेंज में दिखेगा और ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। समझ रहे हैं गाइस आप, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है 40 वाला। इसके कल वाला जो वीडियो मैंने बनाया था वो भी उसमें भी मैंने ये बताया था, समझ रहे हैं आप। तो अगर ये टूटता है तो फिर आपको फर्दर और गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि ये ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, 29.86 इसका RSI चल रहा है और कल वाले वीडियो में बताया था मैंने कि 20 से 25 तक इसके RSI की जाने की संभावना है। इसके बाद यहाँ से आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। आप पैनिक होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है गाइस, देखिए अगर इसमें रेगुलर ट्रेडिंग शुरू हो जाए, भाई जिसने 86 पे ले रखा है और इसमें रेगुलर ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, मान लीजिए 40 के आसपास ये कंसोलिडेट करने लगता है, तब मेरे पास अगर प्रश्न आए कि सर अब मुझे क्या करना चाहिए, इसमें मैं निकल जाऊँ कि होल्ड करूँ, तब तो मैं उसका जवाब भी एक बार देने के लिए सोचूँ। गाइस अभी लोअर सर्किट पे है, आप मेरे से पूछ रहे हैं कमेंट्स में कि सर मैं क्या करूँ बताइए। अभी मैं चाह के भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं कुछ भी बताऊँ आपको, आप सेलिंग कर ही नहीं पाएंगे, है ना। और परचेज़ करना चाहेंगे क्या आप ऐसी सिचुएशन में? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो आप मतलब दोनों तरफ से अभी फंसे हुए हैं आप सभी लोग, तो इसलिए बहुत ठंडे दिमाग से आपको समझना है, सोचना है। कोई डाउट हो आप कमेंट में सेक्शन में पूछिए, मैं देखिए आप मेरे किसी भी कमेंट में चले जाइए, वीडियो के कमेंट्स में आपको दिख जाएगा मैं सबको प्रॉपर तरीके से रिप्लाई कर रहा हूँ, सबके डाउट क्लियर कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ। कई बार हो सकता है कोई लोग छूट भी जाते हों, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो गाइज उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप सभी को प्रॉपर इंडिविजुअली मैं रिप्लाई दूँ और आपको सेटिस्फाई करूँ। आशा करता हूँ गाइज कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ गाइज, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और आप जितने लोगों के वीडियो देख रहे हैं कम से कम उसमें से 90-99% लोग सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। मैं भी नहीं हूँ, मैं ये मेरे पर्सनल व्यूज होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, 100% गलत हो सकता हूँ। मैं खोल के सीधी बात आपको सीधा कहता हूँ, आपको अच्छा लगे बुरा लगे बात की बात है, लेकिन मैं 100% बोलता हूँ कि भाई मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, मैं मेरे पर्सनल व्यूज हो सकते हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछे बगैर कतई नहीं करेंगे। चलिए धन्यवाद गाइज़।